अब खबर सीकर के दतारामगढ़ से है, जहां खचरेवास में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार सुभाष महरिया और स्थानीय विधायक वीरेंद्र सिंह को जनता का विरोध भी झेलना पड़ा। जानकारी के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार सुभाष महरिया का काफिला जब खचरेवास कस्बे में पहुंचा तो वहां के युवाओं और महिलाओं ने उनकी गाड़ी को रोककर विरोध करना शुरू कर दिया और वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इस मामले की पड़ताल करने जब A1 टीवी की टीम खचरेवास पहुंची तो वहां के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर ये विरोध प्रदर्शन करने की जानकारी दी। के जनसंपर्क के लिए माननीय विधायक वीरेंद्र सिंह जी कल हमारे गांव आए थे और ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर उनको अवगत करवाया था, तो बुजुर्ग महिला ने उनको पानी पिला के उनका सम्मान करना चाहा, लेकिन उन्होंने पानी पीने से स्पष्ट मना कर दिया और इसको लेके उन्होंने समस्या से अवगत कराया तो कोई संतुष्ट पूर्ण उनको जवाब नहीं मिला। इसको लेके ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जब उन्होंने इसका आक्रोशित हो गए तो उनके समर्थकों ने उनको धक्के देके उन वहां से हटा दिया गया। इसको लेके ज्यादा वाउंडर हो गया। प्रचार के लिए माननीय विधायक महोदय हमारे कल गांव में पधारे थे तो हमने पानी की समस्या उन्हें बताई तो वहां ग्रामीण महिलाओं ने उन्हें पानी पिलाकर समस्या बताने की कोशिश की तो उन्होंने उस पानी को नहीं पिया और उस महिलाओं के साथ जब उन्होंने संतुष्टिपूर्वक जवाब मांगा तो महिलाओं को कोई जवाब नहीं दिया गया और उनके साथ हाथापाई भी की गई।